राष्ट्रपति भवन में हजारों की तादाद में वहां पर लोगों का जमावड़ा आ जाता है। वो तस्वीरें मैं चाहूंगी फुल फ्रेम में आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। भवन के अंदर लोग चले जाते हैं और जमकर वहां पर हंगामा करते हैं। ये तस्वीरें राष्ट्रपति आवास में जब भीड़ घुसी थी, राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने जब कब्जा कर लिया था, उस वक्त की तस्वीरें हैं। खचाखच भीड़ तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसे में अब सीधा से सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, जब राष्ट्रपति भवन में, और ये देखिए स्विमिंग पूल है और यहाँ पर प्रदर्शनकारी वहां पर जाते हैं जो काफी गुस्से में होते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल देखते ही आप देखिए वहां पर स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों की मंशा भी दुनिया में कहीं भी, कम से कम राष्ट्रपति भवन से ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आई होंगी जिस तरह की तस्वीरें श्रीलंका से सामने आई या हाल ही में अफगानिस्तान में। हालांकि वहां के हालात अलग थे, लेकिन वहां पर भी हम सब ने देखा कि तालिबानियों की किस तरह की स्थिति थी जब वहां से बड़ी तादाद में जनता जा रही थी या फिर सत्ता परिवर्तन हो गया तो किस तरह से। लेकिन फिलहाल यहां पर हालात अलग हैं। भुखमरी की कगार पर यह जनता खड़ी हुई है, अपने हुक्मरानों के खिलाफ प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन में कब्जा करके वो अपनी ताकत को दिखाने में कामयाब रही है। राष्ट्रपति है कि हाँ, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन श्रीकांत शर्मा जी, में सीधे आपके पास आते हुए, अब चूंकि राष्ट्रपति भवन पर ही अगर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो जाए फिर तो राष्ट्रपति अपनी ड्यूटी निभा नहीं पाएंगे, वो फरार हो जाते हैं, वो हैं कहां, उनके बारे में कोई जानकारी है नहीं। उनका कहना है पार्टी जो फैसला लेगी वो फैसला हम स्वीकार करेंगे, लेकिन एक स्थिति तो बनती है ना नैतिकता की भी, अगर आपके राष्ट्रपति भवन के भीतर कब्जा हो जाए, जो आम लोग हैं या फिर विद्रोही उनको जिस तरीके से वहां के लोग उनको संबोधित करें, तो फिर आपको वैसे भी अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार कहां रह जाता है। अगर लोग आपके राष्ट्रपति भवन के सामने जाकर इस तरह से नारेबाजी कर ले और आपको अपनी जान बचाकर दूसरी जगहों पर भागना पड़ जाए। श्रीकांत शर्मा जी, देखिए एक बात तो यह है कि राष्ट्रपति के जाने का वो 3 महीने से कह रहे हैं कि गोटा गांव जाओ, जाओ अपने घर जाओ, बिल्कुल। पर जो प्रधानमंत्री बने हैं इंटरिम, उनके खिलाफ अभी तक हमने सुना नहीं कि लोग उनसे भी नाराज हैं। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, जो कुछ वहां हो रहा है वो एक अहिंसक है, उसमें किसी को जैसे आप काबुल से आपने तुलना की वो गलत है। ये जो जनता उभरी है ये जनाक्रोश की पराकाष्ठा है जी। और वो जनाक्रोश उबलता हुआ उफलता हुआ आया है पिछले 3-4 महीनों से और वो जनता उसको प्रदर्शित कर रही है। पर अगर कोई उनका विश्वास किसी तरह से प्राप्त कर ले और जैसे प्रधानमंत्री हैं वो अगर ऐसे में आगे बढ़े और इनको राष्ट्रपति को हटा के और उनको उनके पूछे वो जो पार्लियामेंट है वो सपोर्ट करे और वो आके जनता का विश्वास प्राप्त करें तो थोड़ी बहुत स्थिरता आ सकती है वहां। लेकिन हम तो दूर बैठे हुए हैं, हम कैसे कह सकते हैं ये वाली बात। ये तो उनके लोगों को ही समझना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो कहेंगे ये इंटरफियर कर रहे हैं। तो पर ऐसा लगता है क्योंकि हम लोगों ने दूसरे देशों में देखा है जहां ऐसी स्थिति आती है। वैसे श्रीलंका में जो स्थिति है वो बहुत खराब है। इसके पहले कई साल पहले ग्रीस में स्थिति खराब थी, इतनी खराब नहीं थी, पर ग्रीस जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी ऐसी हालत थी। लेकिन वहां सब यूरोपियन यूनियन के लोग आ गए मदद किए। तो इस समय श्रीलंका को मदद करने के लिए लोगों को आना पड़ेगा और भारत को आगे खड़ा होना पड़ेगा। भारत की जो पूरी परंपरा है, जो हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि वो एक प्रेम और विवस्देव कुटुंबकम और एक करुणा वाली बात है, तो इस समय भारत की सहानुभूति, भारत का सहयोग और कड़ा समर्थन जरूरी है श्रीलंका देश के लिए, श्रीलंका की जनता के लिए। और इसलिए जो कुछ भी हम दे देंगे वो अच्छा होगा, बिल्कुल। और इसलिए भारत को आगे आना चाहिए, बड़ी एक चुनौती है हमारे लिए। और दूसरी बात यह है कि भारत को इस समय अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर IMF से कहना चाहिए कि श्रीलंका को मदद कीजिए, आपको वो अगर वो देश को कुछ गड़बड़ होगा तो आप फिर उत्तरदायी होंगे, बिल्कुल। तो जो कुछ बातचीत चलती रही होगी उसमें जोर देना चाहिए कि श्रीलंका को मदद की जाए। और इसके लिए दूसरे देशों को भी भारत को साथ में लाना, जैसे जापान है, जापान भारत के साथ है इस मामले में, ठीक है। इसके पहले भी जापान ने भारत के साथ दिया है, तो जापान है और US और यूरोपियन यूनियन, ये सब मिलके और हमारे जो डेवलपिंग विकासशील देश हैं उनमें से भी हम उनको लेके कि भाई इनका श्रीलंका को इससे उबारना बहुत जरूरी है। वहां की जनता इतनी बड़ी नहीं है, 2 करोड़ बहुत बड़ा नंबर नहीं होता हमारे जैसे जनसंख्या वाले देशों के लिए। तो हमको अच्छा। और फिर तीसरी बात यह है कि हमारी जो तमिलनाडु की सरकार है
वो भी इस बात के लिए निरंतर संवेदनशील है, वो जानती है कि ये ऐसा होने वाला है, तो वो भी तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरह से इससे इस जो 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 कुछ समस्या आएगी, श्रीलंका के इस तरह के हालात का सबसे पहले असर वहीं पर पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। श्रीकांत जी, आपकी तमाम बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने तालिबान से तुलना नहीं की थी, मैंने बस ये कहा था कि चूंकि ऐसी तस्वीरें हमने देखा था कि जब वहां पर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा होता है तो किस तरह से लोग बेडरूम में घुस जाते हैं और वहां पर नाच गाना और दूसरी चीजें शुरू हो जाती है। यहां की तस्वीरें भी एक बार फिर से मैं चाहूंगी, राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें, चूंकि ये प्रदर्शनकारी है विद्रोह और गुस्से में वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन स्विमिंग पूल देख के बाद वो स्विमिंग करने लगते हैं, अंदर जब बेडरूम में घुसते हैं तो बेड पर वो कूदने लगते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आराम फरमाने लगते हैं। ये देखिए, ये प्रदर्शनकारी हैं। हालांकि इनका गुस्सा समझ में आता है, क्योंकि जब आपका देश दिवालिया घोषित हो जाए और आपका राष्ट्रपति आपको बिल्कुल एक ऐसे मोड़ पर छोड़कर फरार हो जाए जहां से देश को बचाना मुश्किल लगता हो, तो यकीनन इन लोगों के भीतर जिस तरह की स्थिति पनपी है उसको समझना बिल्कुल आसान।